वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस देखते हैं। अभी जो है ना, सुबह 8 बजे का टाइम है, हम ऑलरेडी ही लेट हो चुके हैं। तो आज क्या सीन है कि अभी हम राउंड कराने जाएंगे। राउंड में क्या होता है कि जो है ना, डॉक्टर साहब बताएं राउंड में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राउंड में हमारा ये होता है कि हमने पेशेंट्स को देखना होता है, चेक करना होता है, फिर हमारे प्रोफेसर साहब को हमें राउंड कराना होता है, उनको भी मरीज के बारे में बताना होता है, फिर वो ना हमें बताते हैं। क्योंकि हमारा एक्चुअली, हम दोनों, आप लोगों को पता ही है पिछली वीडियो से कि हमारा सर्जरी से मतलब ताल्लुक है, शोभा हाथ साथ भी जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे हम जाते हैं। तो फिर डिस्कस करना होता है कि आया ये पेशेंट फिट है सर्जरी के लिए, करना है नहीं करना। क्योंकि सर्जरी तो हर दूसरे बंदे की होनी होती है, लेकिन सर्जरी से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ना देखते होते हैं, ठीक है। खैर, वो बातें आप लोगों को, किसी का इंटरेस्ट होता है किसी का नहीं होता, तो हम वो करवाएंगे। इस वजह से हम थोड़ा सा पहले भी एक दो दिनों में मसरूफ़ रहे हैं, एक दो दिनों में, शायद अभी भी, कल भी, परसों भी मसरूफ़ रहे। तो फाइनली हम आपको अपडेट करेंगे और यही सब। ये बता दें एमरजेंसी में किस तरह के मरीज आते हैं और क्या। एमरजेंसी में बहुत सारे हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ट्रॉमा के साथ आते हैं, लाइक कोई भी एक्सीडेंट हो गया, जिस दिन हमें खुद भी, वैसे हम इतना प्रैक्टिस कर करके हमें खुद भी आइडिया होता है कि अब जुम्मे का दिन है, ईद का दिन है, जो रश वाले दिन होते हैं ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा के साथ पेशेंट आते हैं। छोटे बच्चे बर्न के साथ आए होते हैं कि सिलेंडर से जल गए, इससे जल गए, या फिर मतलब कोई चोट लगी है तो अक्सर ब्लीडिंग हो रही होती है, वो हमें देखना होता है, स्टिच करना होता है। इसके अलावा मतलब ये तो मेन होता है ना, जो बहुत ज़्यादा हम ना मतलब इस किस्म के मरीजों को देख रहे होते हैं। बाकी मरीज़ तो हर किस्म के होते हैं, हर किस्म के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन हम जो डील करते हैं मेन सर्जरी से डील करते हैं कि जिसकी भी इंडिकेशन बन जाए सर्जरी की ना। और कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? हमारे, आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि हम जब जाएंगे क्लिनिक पे तो हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, टेक होम मैसेज दिया करेंगे, जो भी खासतौर पर जो छोटे बच्चों के लिए। आजकल गर्मी बहुत 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 ज़्यादा पड़ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा तकरीबन 3-4 लीटर तक का पानी का इंटेक करें, बहुत ज़्यादा आप लोग पानी पिए, ठीक है, अपने आप को हाइड्रेट करें। इस वजह से आपकी स्किन भी अक्सर उड़ते हैं, हाँ कह रही होती हैं कि हमारी स्किन नहीं ठीक, ये है खड्डे पड़ गए हैं, तो ये पड़ गए, तो उसके लिए भी यही है कि वो क्रीमें लगा लगा 2400-3000 की क्रीमें ले लेती हैं, तो अपने मियों के खर्चे कराती रहती हैं। तो उससे ये है कि आप पानी पिए, बहुत ज़्यादा पानी पिए। मतलब एक ऐसी सस्ती रेमेडी आपको बता दी है जो हर चीज़ के लिए मतलब आपका फ़ायदा है, आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, सारे जो भी आपकी बॉडी में जहरीले मादे शादे सब चीज़ें वो भी निकलते हैं, और आपको बहुत हाइड्रेट रखते हैं। तो अपने बच्चों को, छोटे बच्चे अक्सर में जो 6 मंथ्स बिलो होते हैं या 1 ईयर बिलो होते हैं, वो बता ही नहीं सकते अपनी मदर को कि हमें पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो बड़े बच्चे तो फिर भी मम मम कह लेते हैं, तो उनको आपने अक्सर जब आप होंठों के साथ पानी लगाते होंगे तो पी जाते होंगे, तो उनको ख्याल रखेंगे। माओं के लिए एक मैसेज है, तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। वी आर सॉरी, वीडियोस थोड़ी लेट हो जाती हैं, कभी नहीं बना सकते। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।